पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा, पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा। और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते, उत्तर प्रदेश की स्थिति के सब पढ़े जाए। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ाली की कोर कॉल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की, 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई थी, यह उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की और आज उत्तर प्रदेश में 1,00,000 हम लोगों ने रिनोवेशन करके फ्लोरिंग को ठीक करना, बच्चों को फर्नीचर किया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,24,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, दो यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, किसी जाति किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे तब क्या जाति नजर नहीं आती थी क्या? तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं वे नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है। तैयार किया जा रहा कि उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। संख्या बढ़ी है ऑपरेशन कायाकल्प के बाद। यह सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया, हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा, बजट में इसका प्रावधान किया गया। पीएम श्री योजना के अंतर्गत और बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे, बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी, लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा बच्चों के लिए। किसी की जाति नहीं देखी, किसी
ऐसा मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं। और हमारी सरकार इसको कर रही है, जिसको हर विकास खंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं, और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है।